हेलो ट्रेडर्स इन्वेस्टर, आप सभी का स्वागत है विवेक मिश्रा ट्रेडिंग में। ट्रेडर्स, हम लोग जिस शेयर के ऊपर आज बात करने वाले हैं, मोरपेन लेबोरेटरीज लिमिटेड है। देखिए, मैंने आपको इसको पहले भी समझा रखा है, जब इसकी मैंने आपको बताया था कि आपको इसको बाय करके चलना चाहिए। 38.95 रुपीज़ के आसपास था ट्रेडर, और मैंने आपको टारगेट भी अच्छा खासा दिया था। होपफुली कंपनी उसके बाद जो रनअप दिखाई है वो बहुत ही शानदार रहा है, और फार्मा का एक कह लीजिए पार्ट आता है। और इसमें अभी जो हाल फिलहाल में एक बहुत शानदार न्यूज़ आई है, उसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे, और क्या करना चाहिए, चार्ट चेक भी लेंगे। फाइनेंशियल चेक तो हम लोग हर शेयर का डिस्कस करते ही हैं। अब आपको रेगुलर वीडियो वापस से मिल पाएगी, क्योंकि मैं जहाँ पे कोविड की वजह से फंस गया था लॉकडाउन के चलते, मैं वापस से आ चुका हूँ और पूरे स्वस्थ रूप से अपने घर आ चुका हूँ। तो अभी हम लोग इस शेयर के ऊपर डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ओल्ड वाली वीडियो को बता देता हूँ। वैसे कोई इतनी ज़रूरत नहीं है, आप सभी लोगों को अगर कुछ इन्फॉर्मेशन फिर भी न्यू चाहिए या पुराने से रिलेटेड चाहिए तो वो आप देख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी इस शेयर को आपको बहुत बेहतरीन तरीके से सब कुछ, टारगेट और इसकी कॉल सब कुछ विस्तार रूप से इस वीडियो में समझा रखा है 11 अप्रैल को। तो देखिए, अभी इतने गजब तरीके से आपको जो ग्रोथ है शेयर की वो ऑलरेडी दे रहा है। शेयर 55 रुपीज से अप पे ट्रेड कर रहा है। तो अभी कैसी कंडीशन है, आपको कहाँ पे बाई करना चाहिए, क्या वो न्यूज़ है जो आपको बहुत अच्छे रिटर्न के लिए, मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए इच्छुक कर सकती है, और सारी चीज़ें के बारे में इसमें जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। ड्रेस जो चैनल पे नए हो, चैनल सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले नेक्स्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। आप टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे भी मैं शेयर मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट जो मुझे मिलता है मैं पोस्ट कर देता हूं। चलिए देखिए ड्रेस, जो अभी मोरपेन लेबोरेटरीज लिमिटेड है वो 55.35 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रही है। आज भी बहुत अच्छी मूवमेंट दिखाई है। मैंने आपको पहले भी इस शेयर के बारे में सब कुछ विस्तार से समझा रखा है फाइनेंशियल कंडीशन में, तो इस बार हम लोग बस ऊपर ऊपर से जानकारी जानेंगे, क्योंकि अभी तक नेक्स्ट क्वार्टर के नंबर नहीं आए हैं जो कि अभी मई 20 को आएंगे। मार्केट कैपिटल ठीक ठाक है। अभी जो एक गुड न्यूज है, सबसे पहले हम उसी से स्टार्ट करते हैं, बाकी मैंने ऑलरेडी ये सारी चीजें आपको समझा रखी है। तो जो गुड न्यूज आ जाती है ट्रेडर्स, वो ये है कि कंपनी को काफी तगड़ी, अभी देखिए इधर से इनसे भी स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल आ रही है। ये देखिए 28 अप्रैल की ही न्यूज है ये, और जो न्यूज है वो है बहुत शानदार, क्योंकि इसमें जो इन्वेस्टमेंट है 100 मिलियन की आई है, जो कि $100 मिलियन की, जो कि बहुत बड़ी बात है कंपनी के लिए। स्विट्जरलैंड बेस्ड कोई जो ग्रुप है उसने इन्वेस्टमेंट किया है, तो इस हिसाब से जो कंपनी की ग्रोथ है वो आपको इन्वेस्टमेंट अच्छी आई है, तो जाहिर सी बात है आपको शेयर में ग्रोथ दिखाई देगी, तो ये बहुत अच्छी बात है। आप बाकी इस न्यूज़ को और अच्छे से रीड कर सकते हैं। जैसे मोरपेन लेबोरेटरीज ने अप्रूव किया है उनको 32.5 मिलियन इन्वेस्टमेंट इन फिल्म बाय स्विट्जरलैंड, ठीक है ट्रेडर्स, जो टोटल इन्वेस्टमेंट का उन्होंने बताया है प्राइवेट कंपनी द्वारा किया गया है वो 100 मिलियन का है, तो एक बहुत अच्छी बात है। तो अभी भी जो प्रमोटर्स ग्रुप्स के हैं वो बैलेंस रहते हैं 67.50, पर फिर भी स्टिल इतना जो आया है वो भी एक बहुत बड़ा नंबर रहता है। तो शेयर में आपको जाहिर सी बात है इसमें आपको अच्छी खासी, मोरपेन लेबोरेटरीज में आपको जो देख रहे होंगे कि शेयर का प्राइस जो है काफ़ी तेजी तरीके से भाग रहा है, तो ये भी बात थी इन सब चीज़ों का। जैसे हम लोगों ने इसको अच्छा हुआ बहुत अच्छे सुनहरे मौके पर डिस्कस कर लिया था, जिससे आप लोग इसमें फ्रेश कॉल ले पाए होंगे, और अच्छी खासी बात है कि इस पे आप लोगों ने काफ़ी अच्छे से इसको, मतलब काफ़ी बड़ी मात्रा में आप लोगों ने देखा। चलिए जो हैं देखिए न्यू जुड़ते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए करिएगा, क्योंकि इससे आपको क्या होता है कि और भी लोगों को रिकमेंड होगा। तो देखिए ट्रेडर्स, अभी तो आपको मैं थोड़ा सा फाइनेंशियली और बता देता हूँ। तो बुक वैल्यू इसकी कम है, पर इतनी कोई खामी वाली बात नहीं है, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट जो है वो काफ़ी बेहतरीन आ रही है और ग्रोथ इसमें अच्छी खासी दिख रही है। पर आप देखेंगे जैसे इसका ROE है वो 12.5% का दिया है, रिटर्न ऑन इक्विटी ठीक ठाक दिया है। स्टॉक का प्राइस अभी हाल फिलहाल में ठीक चल रहा है। बुक वैल्यू इसकी थोड़ी सी जो है, थोड़ी सी कह लीजिए ज़्यादा कम है। बाकी कंपनी का सेल ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ बहुत शानदार तरीके से बढ़ा है। रिटर्न ऑन एसेट भी कंपनी का अच्छा है। जो Q1 प्रॉफिट सितंबर से दिसंबर में है वो थोड़े कम आए, पर ऐसा नहीं है कि नंबर नेगेटिव में आया है। और जो बताया जा रहा है कि अगला जो क्वार्टर का नंबर आएगा, मतलब मार्च वाला जो नंबर आएगा वो बहुत बेहतरीन आएगा। अभी तक वो नंबर मार्च का, मतलब Q4 के नंबर अभी तक नहीं आए हैं। देखिए यहाँ पे आपको दिसंबर तक का नंबर बता रखा है, तो अच्छी खासी इसकी कंपनी की
कंडीशन चल रही है फाइनेंशियली, कोई इतनी ज्यादा बहुत बड़ी दिक्कत में अभी नहीं दिखाई दे रहा है। पीर कंपैरिजन भी में भी मैंने आपको ऑलरेडी सब बता रखा है, तो इनकी सेल प्रॉफिट ग्रोथ सब कुछ अच्छे नंबर है, नेगेटिव में नहीं थे, तो एक अच्छी कंपनी आ जाती है। हाँ कुछ बुक वैल्यू वाला दिक्कत रहता है, प्रमोटर्स की होल्डिंग थोड़ी ज्यादा 40 से ऊपर रहती तो अच्छी बात रहती। कंपनी काफी टाइम से प्रॉफिट बना रही है, डिविडेंड प्रोवाइड अभी हाल फिलहाल में नहीं कर पा रही है, पर आप देखेंगे कंपनी का जो डेब्ट फ्री हो चुकी है, अगले नंबर जो आएंगे वो अच्छे बताए जा रहे हैं, तो ये सब बहुत अच्छी चीज जताता है आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अब चलिए हम लोग डायरेक्ट चार्ट पे ही बात कर लेते हैं। तो देखिए मैंने आपको इसको जैसे कि एक बहुत अच्छे प्राइस के आसपास बताया था शेयर को, और आपको इसमें काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई दी। जैसे 11 अप्रैल को मैंने इसको आपको डिस्कस किया था, तो आप यहाँ पे देखेंगे 11 अप्रैल के आसपास जो था ये शेयर का प्राइस 38 रुपीज के आसपास था, और अब देखिए काफी शानदार आपको इसमें ग्रोथ दिखी है। उसके बाद देखिए कितनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट आई है, और हाल फिलहाल में भी आज भी इन्वेस्टमेंट काफी तगड़ी आई है, शेयर ऑलरेडी काफी अच्छा ग्रो कर रहा है। तो अब जो अगला टारगेट है वो आप देखिए अभी जो फ्रेश कॉल की, पहले फ्रेश कॉल की बात कर लेते हैं फिर अगले टारगेट की। तो आप अगर फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं तो 47.50 रुपीज को सपोर्ट मानिए और उसके क्लोज में बाय करिए। फिर उसके बाद आप इसको लॉन्ग टारगेट लेके चलना चाहते हैं या शॉर्ट टर्म टारगेट लेके चलना चाहते हैं, तो अभी जो करंटली दिख रहा है वो एक रेजिस्टेंस बन रहा है 56.30 रुपीज के आसपास, कह लीजिए एक तरीके से 56.45 रुपीज के आसपास। उसके बाद जो रेजिस्टेंस बनेंगे वो थोड़े और ऊपर बनेंगे, तो आप जो अब इसमें जैसे कि इन्वेस्टमेंट अच्छी आई है, होपफुली प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी लेट दिखाई देगी क्योंकि काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, तो इस तरीके से आप जो लॉन्ग टारगेट अब 65 प्लस का मैं खुद लेके चल रहा हूँ क्योंकि मेरी भी इसमें इन्वेस्टमेंट है, तो आप भी लेके चल सकते हैं। फ्रेश एंट्री की बात रही तो मैंने आपको बता दिया 47 रुपीज के आसपास रखिए, और अगर आप डिलीवरी बेसिस पे नहीं लेते हैं तो आपको स्टॉप लॉस हमेशा यूज करके शेयर मार्केट में इन्वेस्मेंट करना चाहिए। तो यही है टोटल अपडेट ट्रेड्स, मैं आपको एक बार इस पे लाइन मार करके बता देता हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट लेके जो सेव करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो जैसे कि अभी टारगेट है वो 56 रुपीज का हो गया, बाकी इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस की लाइन बनी हुई है, मैं एक और आपको लाइन यहां पे दिखा देता हूं। ये है सपोर्ट को एक तरीके से मान के चलिए, असलियत में ये भी रेजिस्टेंस है, तो करेक्शन पे ही बाय करें। अगर आपका बहुत लॉन्ग व्यू है तो आपको कम से कम इसको 43 रुपीज तक का वेट करना चाहिए क्योंकि इतना आ जाएगा प्राइस, इस हिसाब से आप इसमें एंट्री लेके चल सकते हैं। पर जो अभी हाल फिलहाल में इसमें इन्वेस्टमेंट आई है उसकी वजह से शेयर में थोड़ा और भी ग्रोथ आपको दिखाई देगा। तो रिटर्न ये हाल फिलहाल में बहुत अच्छा प्रोवाइड कर रहा है, और डिविडेंड जो है अभी इसमें नहीं मिल रहे हैं। क्वार्टरली रिजल्ट तो बेहतरीन आ रहे हैं पर कंपनी डिविडेंड प्रोवाइड नहीं कर रही क्योंकि अपने आप को फाइनेंशियली ठीक कर रही है, डेप्ट जो है वो सारा खत्म कर रही है, इसीलिए अब जो अगले क्वार्टर के नंबर आएंगे वो अच्छे की उम्मीद लगाई जा रही है, तो हो सकता है उस टाइम पे डिविडेंड कंपनी प्रोवाइड करे। तो ये है वो शेयर मोरपेन लेबोरेटरीज लिमिटेड, आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं।